नमस्कार, मैं वत्सल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिराज धर्म। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र माना जाता है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव भदोही में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन चल रहा है, तो तीसरी तरफ भाजपा जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, लोगों से पूछते हैं कि उनका आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस तरफ रुझान है। चलिए लोगों से बात करते हैं। तो भैया, आपका नाम क्या है? रमेश। तो इस बार कौन आ रहा है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? अब देखो क्या आता है। नहीं, आपका क्या राय है? योगी का आ सकता है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि क्यों आ सकते हैं? विचार अच्छा है बहुत। अच्छा, क्या विचार अच्छा है, जैसे बताना चाहेंगे? क्या क्या किया है लोगों के लिए उन्होंने, जिसे आपको लगता है कि ये बताएं बड़े भाई? जी भैया, हमारे लिए जो है योगी सरकार बहुत काम किए हैं, सब कुछ करते हैं, करते रहेंगे इस तरह। अच्छा, तो मतलब इस बार फिर से उनकी वापसी हो रही है? जी, ऐसे ही होने की संभावना है, हो सकती है ये, और करेंगे। चलिए, अजीत योगी जी ने बहुत सही काम किया। अच्छा, क्या क्या काम किया है उन्होंने? अरे भैया, बहुत सही गैस सिलेंडर भी बटाया है और जो उन्हें बहुत सही काम किया है। अच्छा, तो फिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में फ़र्क क्या है, बताएंगे? फर्क ये है कि जैसे योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और हम सब लोग वोट सपोर्ट सब योगी जी के ही करते हैं। आप लखनऊ से हैं या बाहर से हैं? नहीं, हम बहराइच से हैं सर। बहराइच में क्या कंडीशन है, वहाँ क्या चल रहा है? मतलब वहाँ तो सर यही का चर्चा चल रहा है, योगी जी का। जी सर। चलिए भैया, आप कहाँ से हैं? मैं सीतापुर से हूँ सर। सीतापुर से, तो क्या लग रहा है सीतापुर का, क्या माहौल है सीतापुर का? सर यही योगी मोदी वाला। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव की वापसी नहीं होगी वहाँ? कोई वापसी वहाँ से नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अच्छा खासा वोट अखिलेश यादव का भी है, मोदी का काम चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है जो मोदी और योगी ही आपको पसंद है? सर, जो भी काम अच्छा करवाएगा उसके सपोर्ट में सब लोग रहेंगे। कोई भी काम अच्छा करवाएगा उसके सपोर्ट में सब लोग रहेंगे। आप करवाओगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो 2012 से 17 के बीच रहे, उन्होंने कोई काम वाम किया कि नहीं किया? काम सर किया, लेकिन जो काम ये मोदी योगी करवा रहे वो सर कोई नहीं, अभी आज तक कोई भी ग्राम सभा का नहीं करवा पाया आदमी। अच्छा, जैसे कुछ बताइए कि मतलब क्या क्या काम कराया उन्होंने, तो हम भी जाने। सर, बहुत कुछ करवाया किसानों के लिए, क्या नहीं, फ्री में हर चीज़ बंटवाई, राशन है, गैस सिलेंडर है, हर चीज़ बंटवाई फ्री में, और क्या चाहिए किसानों को। अच्छा, राकेश टिकैत बारे में जानते हैं? नहीं सर, हमें पता है नहीं। जानते हैं, आजकल वो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत कर रहे हैं। पता है सर, लेकिन हमको नहीं पता है। क्या उस मतलब अगर किसान आंदोलन चल रहा है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा क्या चुनाव में? क्यों नहीं पड़ेगा सर, बहुत पड़ेगा। अच्छा, और क्या। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे ये युवा साथी हैं, तो बताइए 2022 के चुनाव में कौन आ रहा, अखिलेश यादव की वापसी हो रही है या फिर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? तो भाई से पूछ लीजिए, मेरे बड़े वाले से। भैया पूछ लीजिए। अंकल जी, आप लखनऊ के ही हैं? जी सर, मैं लखनऊ का हूँ। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं आप? यही हुआ है, 20 साल हो गए हमको दुकान लगाते हुए। जी, तो इस बार क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से? फाइट तगड़ी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इसके ये कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जैसे लॉकडाउन लग गया, आदमी यात्री परदेशी जो परेशान हुए थे, उससे कुछ असर पड़ सकता है। बाकी सरकार अगर देखिए, कायदे देखा जाए, अगर राष्ट्रहित के लिए देखा जाए, तो भाजपा की सरकार जो है बहुत अच्छी है। अगर अपने स्वार्थ के लिए देखा जाए, तो फिर हमारा अखिलेश यादव भी कोई अच्छा काम, मतलब बुरा काम नहीं करके भले अच्छा काम करा, लेकिन उनके परिवारवाद का वजह से थोड़ा फूट पड़ गई, नहीं तो अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे मतलब मुख्यमंत्री थे, ऐसी बात नहीं यूपी के लिए। जैसे 2012 से 2017 के बीच बताया गया कि लखनऊ का काफ़ी विकास किया उन्होंने, तो मतलब दोबारा आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन इस बार क्या है कि मतलब आप कह रहे हैं कि लगातार फाइट चल रही है, लेकिन कौन मतलब पूरी तरीके से कौन जीत सकता है? अगर पूरे देश के लेके चलेंगे तो फिर भाजपा ही ज़्यादा आगे पड़ेगी, अगर यूपी के लेके चलेंगे तो यूपी में फाइट कर सकती है अखिलेश यादव की सरकार। अच्छा, जो ये पिछले 4.5 या 5 साल में जो भी योगी आदित्यनाथ ने जो सुविधाएं दी हैं, वो सब आप लोगों को मुहैया हुई हैं? हाँ, संभव हो जाएगी, लेकिन कुछ सुविधाएं से जैसे हम लोग मतलब पिछड़े रह गए, क्योंकि कुछ सुविधाएं नहीं है। जैसे हमें, हम लोगों को लॉकडाउन में बेरोजगार का भत्ता 1000 रुपये दिया गया था पट्टी दुकानदारों को, वो हम लोगों के खाते में नहीं आए थे। अच्छा, कुछ लोगों को मिला भी है? कुछ लोगों को मिला है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं आया। जैसे 10,000 रुपये की जो आर्थिक मदद दी है उन्होंने, किस्त द्वारा रकम दी है, वो हम लोगों को कुछ लोगों को मिला है। जैसे मुफ्त राशन मिला है,
लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप सब चीज़ को तो मतलब कोई भी आदमी चाहे, मैं अपने परिवार का भी अगर बड़ा सदस्य होता तो मैं भी अपने परिवार को पूरा खुश नहीं रख पाऊंगा। हाँ ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक होगी होगी। चलिए भैया ठीक है, आगे कुछ दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। जी आंटी, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि 22 में साइकिल आएगी या फिर से भाजपा आएगी? भाई हम लोग तो ये चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, कोई भी आए। तो अच्छे दिन नहीं है क्या? नहीं, ये अच्छे दिन है। नहीं क्या, बुरा क्या है? बुरा तो है ही है ना, इंसान कमा रहा है ना खा पा रहा है, बच्चे जो है मतलब भूखे प्यासे हैं, कितने लोगों की परेशानी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सभी परेशान। लेकिन जहाँ तक हमने गाँव तक देखा है, लोगों को राशन मिल रहा है, 2000 रुपए मिल रहे हैं। गाँव में मिल रहे हैं ना, शहर की बात करिए आप। अच्छा, शहर में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है? सुविधा नहीं है। अच्छा बताइए, 5 यूनिट का राशन कार्ड है, 1 यूनिट का बचता है तो 5 किलो राशन में कौन खाएगा, 5 फैमिली बताइए। तो बताइए कि शहर के लिए फिर कौन, अखिलेश यादव अच्छे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ? अरे हम तो चाहते चाहे अखिलेश भाई आए चाहे मोदी जी आए, लेकिन सब अच्छा करे, लेकिन वो तो अब उम्मीद छोड़ दो। लेकिन ये भी तो देखिए, 2012 से लेके अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ आपकी नज़रों में? वो तो सब मानते कि हुआ, लेकिन अगर हम ही लोग परेशान होंगे, जनता ही परेशान होगी। वो अच्छा कर रही है, नहीं कह रहे अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो अच्छा कर रहे अपनी जगह, लेकिन सबके लिए सोचे तो, हम लोग गरीबों के लिए भी तो सोचे भाई। वो जैसे आपको क्या सुविधाएं नहीं मिली हैं? भाई हम किराए के मकान में रहते हैं, लॉकडाउन जब से लगा मेरा 15-20 हज़ार रुपये किराया चढ़ गया है। अब हमारे पास तो इसी से कमाई है, जब रात में दुकान नहीं खुलेगी तो हम किराया कहाँ से देंगे, ये बताइए। 3 बेटियाँ हैं मेरी, उनकी पढ़ाई लिखाई है सब है, सब बताइए, सब इंसान मजबूर हो गया रोने पे। चलिए, मतलब आपने पूरी तरीके से ये नहीं बताया कि 2022 में आप किसका सपोर्ट करेंगी। अब भाई वो तो जो आता है सब अपने अपने वो करते हैं, समझ रहे, चाहे मोदी जी आए चाहे अखिलेश जी आए, जो भी नेता आता है सब अपने बारे में सोचते हैं, जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। चलिए ओ भैया, हम लोग यूपी इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में 22 में साइकिल आएगी या भाजपा फिर से वापसी करेगी? सर फिर से वापस आएगी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं, कि मतलब क्या मुद्दे हैं जो लेकर आप सब लोग उस पर संतुष्ट हैं? सर मुद्दे ये हैं कि देखिए, जितनी अभी मतलब कोरोना की वजह से जितने कोरोना पेंडिंग की वजह से जितनी दिक्कतें आई हैं, भाजपा भी खुल के आगे आई है, सपोर्ट कर रही है लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरी कर रही है, उनको राशन वितरण करा रही है, या जो भी प्रॉब्लम आई है जैसे पानी से बाढ़ से जो भी दिक्कतें आई हैं, भाजपा सपोर्ट कर रही है लोगों का, इसकी वजह से उसका ज़्यादा आदमी सपोर्ट कर रहा है कि भाजपा आएगी। अच्छा, मतलब जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार ने सपोर्ट किया है, बाकी उससे पहले भी सपोर्ट किया है, तो उसी को लेकर लोग अब भाजपा को? बिल्कुल बिल्कुल सर, भाजपा को ही चुनेंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव ने आपकी नज़रों में कोई काम किया, या मतलब ऐसा लगा कि उनके शासनकाल में और योगी शासनकाल में कोई फ़र्क है या कुछ है? नहीं सर, अखिलेश सरकार की, अखिलेश जी की भी सरकार थी, तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो लोगों को बहुत अच्छे लगा है, ऐसा थोड़ी है। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, मेट्रो वेट्रो का काम हुआ है, ऐसे बहुत से काम है सर। अच्छा, जैसे ये राकेश टिकैत को जानते हैं? अरे किसान यूनियन के नेता हैं, आज ये मुजफ्फरनगर में पंचायत भी है भैया, इनका बताओ। नहीं नहीं नहीं, हम इनको बताइए। चलिए, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। हमको सब पता, लेकिन इनसे पूछो, हम बता दे रहे हैं। हम नहीं जानते। अच्छा, नहीं बता पा रहे तो तुम्हें है, क्योंकि कोई बात नहीं, इनका पूछो, इनसे पूछो। 2022 में इलेक्शन है, तो क्या लगता है कि इस बार यूपी में क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है, माहौल सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब किसकी सरकार आएगी या फिर से मोदी जी की रहेगी? अच्छा। मोदी जी की है, मोदी जी की रहेगी। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या काम किए? अब वो आने पे मतलब अब कोई देख तो नहीं, हम अनपढ़ आदमी, क्या कहना, हम तो यहाँ पे ठेला लगाते हैं, क्या कहना, पूरी का काम करते हैं यहाँ का, मतलब क्या कहना, कोई बिजनेस तो वैसी है नहीं, तो हम अनपढ़ आदमी, क्या कहना, अब सरकार पर वो तो लेकिन संतुष्ट हैं सरकार से। राजनीति का हाल है, क्या कहना, कैसी आएगी, कौन आएगा, तो वो तो हम नहीं जान सकते। लेकिन ये तो देखते ही होंगे कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अगले सरकार में गुंडाई थी, इनके सरकार में गुंडाई नहीं है। गुंडाई कुछ नहीं है, करे इनके में सरकार में ठीक ठाक मामला है। अच्छा, नहीं गुंडाई नेतागिरी तो कोई नहीं, मतलब बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव मतलब गुंडाई नेतागिरी कोई कहूँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक ठाक मामला। तो यही लखनऊ के ही रहने वाले हैं, बाहर के? जी हम तो यही रहते हैं, क्या कहना, किराए पर मकान बचाने में। चलिए बढ़िया, धन्यवाद अंकल जी। तो क्या लगता है इस बार 2022 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा?
भैया चाहे जिसकी सरकार बने हमको तो यही रहना है। नहीं मतलब किसकी सरकार बनेगी ये तो आपको मतलब एक किसी की सरकार नहीं रहेगी। यूपी में योगी और भारत में मोदी। अच्छा मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट है कि वापसी होनी है योगी आदित्यनाथ की। बिल्कुल पूरी वापसी योगी की। ये बता सकते हैं कि किन मुद्दों पर लेकर सरकार जो लड़ रही है चुनाव में? जितने योगी ने और मोदी ने कर रखा है भारत के लिए और सरकारों ने नहीं सोचा, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा सोच रही है। महीने में 2 मरते राशन फ्री कर दिया, ये कम है जो आप मेरे कंट्रोल में खरीद के खाता था। आपको सुविधाएं मिल रही हैं सर? और सुविधा है उसके लिए। हाँ इसलिए लोग जनता लोग लाभ उठा रही है। पूरा नवंबर तक का फ्री कर रखा है, लॉकडाउन में फ्री कर रखा था ये सब। इस बार लगता है कि अखिलेश यादव का फिर से सुपड़ा साफ होने वाला है? कुछ नहीं है, सिर्फ योगी तो योगी। चलिए भैया आपका क्या कहना है? मोदी भैया को यही कहना है। अच्छा जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की वापसी फिर से हो रही है, इससे कोई दुई राय नहीं है। अच्छा मुजफ्फरनगर में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दरअसल वो पॉलिटिक्स करते हैं। इससे पहले भी हुई कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं राकेश टिकैत और अदरवाइज का नाम है अरे उनके जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी है RLD उनसे भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये अपना आगे का जो है आगे के लिए हिसाब किताब बना रहे चुनाव के लिए। अच्छा लेकिन वो तो कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी मिल चुकी हैं और राहुल गांधी भी मिल चुके हैं और अखिलेश यादव भी सपोर्ट में हैं। मतलब आपका पूरी तरीके से यही कहना है कि उनका मेन मकसद है योगी आदित्यनाथ को हराना और कोई उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं? नहीं कोई लेना देना नहीं है किसी पर। अदरवाइज आप देख लीजिए चाहे पंजाब में हो छत्तीसगढ़ में हो और जहाँ पर कांग्रेस की स्टेट है मतलब सरकारें हैं वहाँ पर भी देखिए आंदोलन चल रहा है इसी वजह से, क्योंकि जानते एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सरकार को किसी तरह हटाया जाए। जिस तरीके से आज आंदोलन हुआ पंचायत हुई उसमें लगातार नारे लगते रहे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के, तो हर किसी का कहना है कि मतलब ये एक तरीके से क्या है कि राजनीतिक महापंचायत हो गई, राजनीतिक हो ही रहा है। क्योंकि अदरवाइज देखेंगे तो आप जैसे लाल किला पे आपने देखा था 26 जनवरी को कितनी बेतहाशा तरीके से मतलब उपद्रव हुआ, उसका प्रभाव पड़ेगा ना? प्रभाव पड़ा। और दूसरी बात सरकार के लिए माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है निगेटिविटी कि मतलब सरकार की छवि खराब हो, इस वजह से मतलब ये सब हो रहा है। बाकी अदरवाइज इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा आपको क्या लगता है कि अखिलेश टक्कर दे पाएंगे या इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखिए अखिलेश यादव तो टक्कर देंगे ही भाई, आप दूसरे लोकप्रिय फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, ABP न्यूज़ का सर्वे है और तो इसीलिए टक्कर तो देंगे ही। कहा जा रहा है कि ओवैसी आ रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, तो उससे जानते हैं आपको मैं बता दूं कि BJP को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि भाई BJP जो BJP पार्टी उसको मतलब मुस्लिम का सपोर्ट बहुत कम है और जो मतलब मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए ज़्यादातर होगा कि तभी तो कहते हैं BJP की भी टीम हो ऐसी की। अच्छा। और रैली भी है मायावती को लेकर क्या? मायावती तो ठीक ठाक, मायावती तो कोई फर्क नहीं डालेंगे इस पे लेकर। अच्छा। वो किसी प्रकार का लोग कहते हैं कि एक तरफ OBC भाजपा को सपोर्ट करेगी एक तरफ मायावती करेगी, क्या ये आपको लगता है कि ये सच है? नहीं 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 ये तो खैर नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और क्योंकि जानते हैं भाई जो सॉरी ओवैसी साहब हैं वो मुस्लिमों को लेकर बात करते हैं तो इसीलिए भाई अब कहाँ दादा पादा ये सब नहीं चल पाएगा। अंकल हमारे साथ हैं तो अंकल 2022 का इलेक्शन आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा फिर से वापस आ रही है या फिर 22 में साइकिल आएगी? अरे 101% फिर से आएगी। अच्छा जी जी इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इतना कॉन्फिडेंट के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या क्या मुद्दे हैं? वो इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं और जिससे कि जो कि 60 साल 70 साल में जो काम नहीं कांग्रेस सरकार कर पाई थी उन्होंने इस तरह का काम किया है जिससे कि ग्रामीण जनता तो बहुत खुश है और जो शहर की जनता है उसमें थोड़ा डिवाइड है कि लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन गांव में उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब जैसे कांग्रेस की बात तो अलग है लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की टक्कर है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि 2012 से 17 और 17 से जो इधर 22 इन दोनों में कोई मतलब तुलना की जाए तो कौन बेहतरीन था, कौन बेहतर था अखिलेश और योगी आदित्यनाथ? योगी इज द बेस्ट। मेरे पास
मतलब फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं? मतलब 101% कर रहे हैं, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो राकेश टिकैत के बारे में जानते हैं? हाँ, राकेश टिकैत आज तो उन्होंने आज जो रैली हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसका प्रभाव यूपी के इलेक्शन में पड़ेगा, जिस तरीके से वो लगातार किसान महापंचायत कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए, कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया है, उनके हित के लिए किया है। अरे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतने दिनों से जो किसान 9 महीने से करीब करीब किसान उसमें पड़े हुए हैं आंदोलन में, तो योगी जी भी इतने समझदार व्यक्ति हैं कि उनकी बात मान लेते। जबकि एक पार्लियामेंट में एक पास हो गया है, बहुमत की सरकार है, सब बातें हो गई, तो उसमें बैठ के बात तय कर लो। वो 9 से 11 दौर की बातचीत हो गई है, वो कह रहे हैं कि ये काने कानून वापस ही होने हैं। नहीं, तो वापस तो नहीं होगा, इनको जो करना हो करे। सब यही कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब पंचायत कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, यही बात ही है कि वो अपनी जो है किसान का जो कर रहे हैं वो, तो यही आपको लग रहा है वो गुमराह कर रहे हैं किसानों को? मतलब बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है भाई। करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, 2-4-5 लाख अगर मुसलमान, वो 2-4-5 लाख अगर किसान को इन्होंने बरगला लिया है, अपने फेवर में कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, ग्रामीण लेवल पर हम लोग गए तो वहाँ बहुत लोग राकेश टिकैत को जानते भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, राकेश टिकैत बाद जितनी संपत्ति होगी किसी किसान के पास नहीं होगी। भैया, ये पहले चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, अगर इनकी फिजत नहीं अच्छी तो सहारनपुर में कई बार ये चुनाव लड़े, हार गए, हार गए दो बार लड़े, तो मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन का? प्रभाव क्या पड़ेगा, ये केवल वोट बैंक के लिए केवल लगे हुए हैं ये। अच्छा, इसका राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं इसका। ये दिराज धर्म है, राजधानी लोकल अपना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो ये थी लखनऊ की जनता, जिसने अपने अपने पक्ष रखे कि अखिलेश आएगा या योगी आदित्यनाथ। अब देखना ये होगा कि 2022 के इलेक्शन चुनाव में कौन बाजी मारता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।